एक स्टोरी ऐसी मेरे सामने आई। एक पर्सन है, उसने मैंने चला के बोला, मैंने बोला आपकी तीन लड़की है, इनकी एक लड़की 29 ईयर्स ओल्ड, एक 30 साल के करीब करीब 31 साल के, और एक 27 ईयर्स ओल्ड, यानी 27, 30 और 31, 32 साल की उम्र हो गई है लड़की की, और किसी की शादी नहीं कराई। मैंने उन्हें बोला कि आपने शादी क्यों नहीं कराई, अभी तक शादी नहीं की। तो उसने बोले, मुझे बताया कि हंसराज जी, मैं मेरी बेटी की शादी लायक हो गई, लेकिन मेरे पास अभी कहीं से फ़ंड अवेलेबल नहीं हो रहा है, ना ही मुझे कहीं से लोन मिल रहा है, और ना ही मुझे कोई सगे संबंधी हेल्प कर रहे हैं। उसने मुझे बोला, मुझे बहुत यूँ लगा कि यार आपने इन लोगों के भरोसे और किसी के डिफेंडर क्यों, आपने शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं। तो उसने मुझे बोला, यार मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ मिला भी नहीं था, मैं उस समय बहुत अच्छा कमा रहा था, उसके ट्रक लोडिंग का काम था, तो वो कह रहे थे कि मैं रोज़ के 500-600 रुपये डेली के मैं कमा रहा था, और आज भी कमाता हूँ, लेकिन मैंने खाया पिया मज़े किए लाइफ, मैंने बचाने के लिए कभी सोचा नहीं, और ये सोचकर कि मुझे हेल्प मिल जाएगी, कहीं से लोन मिल जाएगा और शादी हो जाएगी, कभी इसने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा नहीं कि मेरे बुढ़ापे में मेरे बच्चों का क्या होगा, कभी नहीं सोचा। आज स्थिति हो गई है कि वो बहुत कठिन परिस्थिति में है। मैंने उन्हें बताया कि अगर आपने 100 रुपये भी रोज़ाना जमा करा दिया होता कन्यादान पॉलिसी में, तो आज आपके पास 21 लाख रुपए हो जाता, 21 लाख, 21 लाख, यानी आप अपनी बेटी की शादी धूम धड़ाके कर सकते थे। उस समय 100 रुपए आते थे आपके पास, रोज़ के 500-600 रुपए अगर जो कमाने वाला उसके लिए 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते थे। तो आज आपको कहीं मोहताज होने की ज़रूरत नहीं थी, कहीं से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं थी, और अच्छी सी ज़िंदगी जी पा रहे थे। लेकिन उसने उसकी आँखें भर आई और उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं मिला। दोस्तों, कहीं हमें भी उस पर्सन की तरह रिग्रेट ना होना पड़े, कहीं हमें पछतावा ना होना पड़े, कहीं हम अपनी बच्ची की हाथ पीले अच्छे से न कर पाए, उसके सपने अधूरे न हो जाए। इसलिए दोस्तों, बच्ची की शादी समय पर करनी एक पिता का धर्म होता है, उसके समय पर करनी है, और उसके लिए शुरू से मैनेजमेंट रखो। आप की सोच रहे हो कि मुझे सगे संबंधी यार दोस्त या कोई संस्था मुझे हेल्प करेगी, कहीं गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट होगा, एक बार आप भूल जाइए। दोस्तों, आपको अपनी बेटी की शादी आपको ही करनी है, और अभी से सतर्क होना है। अगर आपकी बेटी साल भर की हो गई है, प्लीज़ जल्दी से उसके नाम से इंश्योरेंस करा दीजिए, उस समय आपको कहीं कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। चलो अगर मान लेते, अगर आपको कर्जा भी मिल जाए ना, तो दोस्तों उसको कर्जे को चुकाने में कम से कम 5 साल लग जाएगा आपको, और बहुत बैग आ जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए 100, 200, 50 ये छोटे छोटे रकम होती है, उससे करो, आपका खुद का फ्यूचर बिल्ड हो जाएगा, बच्चों की शादी भी हो जाएगी, और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, रिलीफ हो जाएगा, कर्ज मुक्त लाइफ जियोगे। ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हो, 8949-63880।